हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे और मेथी के पत्तों से बनी रेसिपी, जिसको मेथी थेपला बोलते हैं। और ये गुजरात की एक फेमस डिश है और ये एक गुजराती रेसिपी है, जिसे आप दही के साथ और अचार के साथ खा सकते हैं। इसमें सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छी लगती है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। मेथी थेपला बनाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में 2 कटोरी आटा लिया है गेहूं का, और इसमें अब डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन। अभी फ्रेश अभी इसी कप से हमने डालेंगे 1 कप कटी हुई हरी मेथी, और इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी भर हरे धनिया के पत्ते। फ्रेश अभी इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक या तो 1.5 छोटी चम्मच हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अभी 1 चम्मच हम डालेंगे देसी घी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो। खाली फर्क इतना है कि ऑयल से आपके थेपले सॉफ्ट बनेंगे और घी से आपके थेपले क्रिस्पी बनेंगे, वो चॉइस आपकी है। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक मीडियम डो बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये थेपले जितने खाने में टेस्टी होते हैं उतने बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। आटे को हमने गूंथ लिया है। अभी हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको 1-2 बार और अच्छी तरह से इसको हम गूंथेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए एकदम यूजफुल रहेगा। अभी हम ढक्कन बंद करके इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। पांच मिनट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा तेल एक बार फिर लेके इसको हम एक बार ऊपर से इसको हम चिकना कर देंगे। फ्रेंड्स, आटा हमारा अभी गूंथ चुका है। अभी हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। एक हमने पेड़ा ले लिया है और इसको हम इसे जैसे हम हाथ में से ऐसे करने से फ्रेंड्स, ये जब हम थेपला बेलेंगे तो आराम से वो बेल जाएगा, और जब आप खाने बैठेंगे तो अंदर से वो बहुत क्रिस्पी बनेगा और ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तरह से हम सभी पेड़े को हम बना देंगे। आप इस थेपले को सुबह में बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, रात को आप डिनर में खा सकते हो, या आप जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाओ तो इस थेपले को बनाकर साथ में लेके जा सकते हो। ये थेपला बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। अभी फ्रेंड्स, अभी हम 2 थेपले आपको बेल के दिखाती हूँ। इस तरह से मैं सभी थेपले को बेल के तैयार कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ये थेपला है ना, हम दही के साथ और अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसमें सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। 2 थेपले को मैंने फ्रेंड बेल दिया है। अभी गैस के ऊपर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी थेपले को इस पे हम डालेंगे। एक तरह से हमारा थेपला थोड़ा सिक गया है। अभी दूसरी तरफ से हम सिकेंगे। अभी जहाँ से हम सिक गया है उधर से हम थोड़ा सा ऐसे घी लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें आप ऑयल भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल से थेपले सॉफ्ट होते हैं और घी से क्रिस्पी होते हैं। अभी दूसरी तरफ से हमारा सिक गया है, इस तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप आँच को लो टू मीडियम रखिएगा, जैसे कि हमारा थेपला अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। इस तरह से हम दूसरा थेपला भी बनकर तैयार कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस थेपले को आप दही के साथ और अचार के साथ एंजॉय कीजिए,
और वीडियो को एंड तक देखने का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।